ज़्यादा आपने हीट नहीं देनी है, ठीक है ना। ये सिलिकॉन में क्या है, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। दोनों हाथ में नहीं, आगे डाल। इसके साथ ऐसे हल्का सा क्या आप देखो चेक करोगे तो जो इसमें छोटा सा जो पॉइंट वगैरह भी होगा वो भी बाहर आ जाएगा। ओके, अभी ये लास्ट पॉइंट जो है हम इसको भी ऐसे ही जो है इधर से सिलिकॉन पहले निकालेंगे, ठीक है। इधर से हीट करेंगे, इधर से भी थोड़ी सी आप हीट करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ये पूरी देखिए वायर आ गई, इसके साथ साथ सारी वायर आ जाएगी। इसके बाद ऐसे जो ना हम लोग ये देखिए छोटी सी सिलिकॉन यहाँ से आ गई वायर और इधर से भी जो होगी वो वायर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अभी जो है ना इसकी एयर हम लोग बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और हीट सिर्फ इसको अभी लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ हीट ऑन करेंगे, हीटर जो है ना इसका ऑन होगा, ठीक है। और इसको जो है ना जब इसके नीचे से पेस्ट जैसे बाहर की तरफ आ जाएगी, चिप थोड़ी सी नीचे बैठेगी तो ऑटोमेटिक चिप से जो पेस्ट है ना जो हम लोगों ने नीचे लगाई थी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। जब पेस्ट बाहर आ जाएगी उसके बाद जो है ना फिर देखिए ये चिपे है हमारी, ठीक है। छुपा के रखे, एक और भी है ब्लैक वाली, वही है। नहीं ये रेड है, रेड है, रेड में क्यों काम नहीं होता। हाँ सर, ये देखिए इसको हम जो है ना प्रॉपर इसको हीट देंगे और जैसे थोड़ी सी हीट हो जाएगी ये चिप जो है ना नीचे आएगी, ठीक है। बॉल जब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ये जो है ना चिप नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद ये देखें, ये अभी आपको नज़र भी शायद आ रहा होगा कि ये जो ना बॉल्स जो है ना नीचे ऐसे बैठ जाएंगे और पेस्ट बाहर की तरफ आ जाएगी, तो ये जो ना थोड़ा सा बबल वगैरह बनेंगे इस पे, पेस्ट जो ना बबलिंग ऐसे थोड़ी थोड़ी करेगी। तो जब ये इसकी बबलिंग स्टार्ट हो गई और इसका धुआँ जो ना ऊपर को ऐसे उठ रहा है, शायद आपको नज़र भी आए क्योंकि वो जो ना हीट की वजह से निकलता है, तो इसको हम लोग जब ये बबल वगैरह बनना शुरू हो गए तो इसको जो ना तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद इसको आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ना इसके इर्द गिर्द कोई पेस्ट वगैरह है वो आपने वो भी साफ़ नहीं करनी है, ठीक है। जब ये पेस्ट अच्छी तरह से अंदर चली जाएगी, चिप थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी, अगर आपके पास कोई फ़ैन है छोटा उसके ज़रिए ठंडा कर लें, नहीं तो इसको तकरीबन 1-4 मिनट या 5 मिनट जो है ना इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर कोई छोटा आपके पास फ़ैन वगैरह नहीं है तो इसको आप छोड़ दो, इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है आपने और सफाई हुई वगैरह भी बिल्कुल नहीं करनी है। जब ये ठंडी हो जाएगी चिप फिर उसके ऊपर अगर आपने थिनर डाल के सफाई करनी है या किसी भी चीज़ से, आप पेट्रोल से कर सकते हो, स्प्रिट से कर सकते हो, ठीक है, जिस चीज़ से भी आप करना चाहो। उसके बाद फिर आप जब चिप हीटअप नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद आप जो है ना इसकी क्लीनिंग जितनी भी कर सकते हो, बोर्ड को वॉश कर सकते हो, तो वो जो है ना आप अच्छे तरीके से कर लें ताकि जो है ना बोर्ड जो है ना क्लियर हो जाए। देखिए हमारे जो है ना
दो मिनट हो गए हैं, ये तीन मिनट जैसे हो जाएंगे तो हम जो है ना इसका हीट देना इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन एक जगह पे आपने हीट नहीं लगानी है, ठीक है। एक जगह पे आप हीट लगाओगे तो वो जो ना एक जगह से ज़्यादा होगा हीट और दूसरी जगह से कम होगी, तो इसको नॉर्मल इक्वल एक लेवल में हीट करना है। वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा, हमारे 3 मिनट्स तकरीबन हो गए। तो जब आपकी चिप प्रॉपर जो हीट हो जाएगी तो उसमें ये भी होगा, जो आपके जो बबल्स जो बन रहे थे बाल जो ना, वो भी जो ना का नॉर्मल उसमें कंडीशन में आ जाएंगे, वो बबलिंग जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसका ये होता है कि आपकी जो है ना जो एक्स्ट्रा जो थी, जो पेस्ट वगैरह जो थी जो इसके नीचे गई हुई थी, वो एक्स्ट्रा सारी पेस्ट आपकी बाहर आ गई है, बॉल आपके एक लेवल पे आ गए हैं, तो जो है ना आपकी जो बॉयल जैसे हो रही होती है ना पेस्ट, तो वो बॉल को बॉल्स जो नीचे होते हैं वो सारे क्लियर जब हो जाते हैं तो आपकी वो ऑटोमेटिक उसके जो बबलिंग हो रही होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इतनी पेस्ट लगानी है कि इसके नीचे चली जाए, जब नीचे से वापस बाहर सारी क्लीन हो जाएगी तो इसका आपके बॉल सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतनी देर तक आपने इसको हीट देनी है, वो तकरीबन कोई 3 मिनट का टाइम बनता है, 2 मिनट 3 मिनट में आपका ये प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये देखें, ये छोटा फ़ैन है, ठीक है, इसके ज़रिए आप जो ना, अगर आपके पास ऐसा है वाला फ़ैन है तो ठीक है, ये तो बाज़ार से ये आसानी से मिल जाएगा। तो ब्लैक से काटो, आज लगता सब कुछ मिलेगा जो गुम हुआ है, सब कुछ मिलेगा। हमारी चिप जो है ना ये ठंडी हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्लग करके देखते हैं, ठीक है। फैन को ऑफ करेंगे और अभी जो है ना ये नीचे से बोर्ड को भी हटा देंगे जो हम लोगों ने लेवल करने के लिए रखा था, अभी जो है ना इसको नॉर्मल यहाँ पे लगा के इसको देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पास कर लेंगे, इसके लाइट्स यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। और साथ में हम जो है ना डिस्प्ले के लिए भी लगा देते हैं, सप्लाई आ गई है वहाँ पे, ठीक है। इसको हम प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट आ जाएगी, ये देखें ये लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे डिस्प्ले भी ये शो करेगा, ये देखें इसका चिप में पार्ट था, ये आपका ओके हो गया, ठीक है। तो ये अभी जो है ना कंप्लीट जो है ना, बाकी ये फिटिंग वगैरह करते हैं, इसको वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर जो दोबारा हम लोगों ने वो हीट सिंक वगैरह बनाई थी वो दोबारा जो है ना कनेक्ट वगैरह करते हुए आपको सब कुछ फिर बाद में दिखाएंगे।